पार्टी में शामिल अगर होता है तो हम दोनों भाई को पहले भी धमकी दे चुका है रास्ते से हटवाने का, मगर वो कुछ भी कर सकता है। मैं अपनी मांग कहाँ जाऊँगा रखने के लिए, मुझे न्याय कहाँ मिलेगा? मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ हमारे सीएम रघुवर दास जी से, क्या वो हमें दो अनाथ बच्चों को न्याय दे पाएंगे? केस अभी फाइनल पेंडिंग में, 14 अक्टूबर को इस केस का फाइनल रिजल्ट आने वाला है। 14 अक्टूबर को जो कितने मामले चल रहे हैं सस्पेंशन को पाया मेहता के खिलाफ, अभी 9 केसेस जो इलेक्शन कमीशन में जो एक कैंडिडेट इलेक्शन लड़ने से पहले जो अपनी वहाँ बायोग्राफी जो सबमिट करता है उसने खुद कबूल किया है कि इसने इसके खिलाफ 9 क्रिमिनल केसेस जो सीरियस क्रिमिनल केसेस है वो पेंडिंग है। तो मैं पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि किस बेसिस पे उसको बीजेपी में शामिल किया जा रहा है, क्योंकि अगर मुझे पता है कि चपरासी अगर पार्टी में शामिल होता है उसका पुलिस वेरिफिकेशन पूरा होता है, क्रिमिनल बैकग्राउंड उसका पूरा जाँच किया जाता है। आप क्या देख करके कल जो वहाँ जो बीजेपी के कोई एक बड़े नेता है वो बोलते हैं मुझे इसकी नॉलेज नहीं कैसे शामिल हो रहा पार्टी में? आज हम पार्टी के तमाम सम्मानित नेता पदाधिकारी और सम्मानित लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी के चरण में कोटि कोटि प्रणाम और गुहार करता हूँ।